वैसे तो देवभूमि हिमाचल देवताओं की भूमि है और सब जानते हैं कि यहाँ कण कण पर देवताओं ऋषि मुनियों का वास है। चाहे वो दैव शक्तियाँ हों, शक्तिपीठ हों या फिर सुंदर नगर मंडी में स्थित यह शीतला मंदिर। इस शीतला मंदिर की स्थापना ललित गुप्ता, गौतम जी और कई साथियों की 22 वर्षों की अटूट मेहनत का परिणाम है और आज जिस तरीके से यह विशाल रूप है जो हर साल 7 दिन के भागवत के बाद एक बड़े धाम के रूप में मनाया जाता है। धाम दरअसल हिमाचली या पहाड़ों पर होने वाले बड़े भोज को कहते हैं। ललित जी और अधिकारियों की माने जो लोग मंदिर की देखरेख में शामिल हैं और इस बड़े आयोजन को कर रहे हैं, तो अब तक करीब 22,000 से ऊपर तक लोगों ने शीतला माता मंदिर पर प्रसाद ग्रहण किया। धाम में शामिल होकर बड़ी ही साफ सुथरी और अटूट व्यवस्था, सुरक्षा के साथ पुख्ता इंतजाम, पार्किंग और लोगों की देखरेख और उनसे बातचीत का तरीका, यह बताता है कि हाँ, कोई धार्मिक स्थल ऐसा ही होना चाहिए। और अगर इस आयोजन में सुंदर नगर के सभी अमीर और आम आदमी सब शामिल हो रहे हैं और जिस तरीके से ज़मीन पर बैठकर प्रसाद खा रहे हैं, ये भारतीय संस्कृति का एक नायाब और अनूठा उदाहरण है। क्या जी गए?